The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. So Bachit Aaj ki hamari hai dengue fever. So kya zaruri hai. कि जब अगर आपको डेंगी डेंगू फीवर डायग्नोस हो जाता है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए होना पड़ेगा क्या हॉस्पिटल में भर्ती होना एक सही अप्रोच है डेंगी फीवर डेंगू फीवर के लिए आज का टॉपिक ये है बट वो समझने से पहले हमें डेंगू को थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी हाँ बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको डेंगी हो रहा है डेंगू फीवर हो रहा है हुआ है डायग्नोस हुआ है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा कतई भी नहीं सो so, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और क्या है इसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग आज हम समझेंगे आज के हमारे वीडियो में सो so, सबसे पहले हमें डेंगू के बारे में डेंगू के बारे में कुछ फैक्ट समझने होंगे कि भाई साहब एक याद रखिएगा चार में से सिर्फ एक पर्सन जिसको डेंगू होता है वो बीमार होगा चार में से एक बाकी के तीन जो है वो बीमार ही नहीं होंगे चार में से एक बीमार होंगे और जो बीमार होगा राइट उनमें से जो तो एक पर्सन चार में से एक जो बीमार होगा उसमें भी किसी को माइल्ड होगा सिम्टम किसी को सिवियर होगा सिम्टम और सिवियर वाला डेंगू लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कोई दो राय नहीं है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ही घंटों के अंदर हो सकता है और उस सिवियर डेंगू के लिए आपको हॉस्पिटलाइज रहना जरूरी हो जाता है सो so, हर डेंगू के केस को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी नहीं है लेकिन सिवियर <coughs> डेंगू के केसेस को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है अब इसको समझने के लिए आपको थोड़े सिम्टम समझने पड़ेंगे कि भाई सिवियर का है पर सिम्टम क्या है डेंगू होगा तो होगा क्या राइट right. <coughs> सो माइल्ड so, क्या होते हैं और उसमें क्या है माइल्ड सिम्टम में क्या होगा बहुत सिंपल से ये कंफ्यूजन भी हो जाता है दूसरी बीमारियों से क्योंकि थोड़ा सा फीवर आता है थोड़ा बॉडी एक होता है थोड़ा पेन होता है एक छोटा मोटा रैश आ जाता है ये माइल्ड सिम्टम होता है मोस्ट कॉमन सिम्टम डेंगू का थोड़ा बहुत नौजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है रैश हो सकता है रैश और एक होते हैं टिपिकल पेन होता है आंखों के पीछे मसल्स जॉइंट्स पेन और थोड़ा बहुत ये सारे माइल्ड फीवर आ सकता है माइल्ड फीवर नॉर्मली ये सिम्टम डेंगू के दो दिन से लेकर सात दिन तक रह सकते हैं और ज्यादातर पीपल एक हफ्ते के अंदर अंदर रिकवर कर जाएंगे मतलब चार में से तीन लोग एक हफ्ते में ठीक हो जाएंगे उनको किसी प्रकार के कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार के एडमिशन की आवश्यकता नहीं है डेंगू को आपको सिंपल सिर्फ सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू है सबसे इंपॉर्टेंट पहला ट्रीटमेंट है रेस्ट जितना हो सके आराम करिए अगर बुखार है दर्द है तो पैरासिटामॉल ले सकते हैं दैट इज एसिटमैनोफिन जो आपको पेन या फी, पेन या फीवर को रिलीफ करेगा और उसके साथ सबसे जरूरी चीज है या ब्रूफिन या एस्पिरिन नहीं लेना है एस्पिरिन और ब्रूफिन नहीं लेना है एस्पिरिन और के साथ डेंगू में साइड इफेक्ट हो सकते हैं प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं दूसरी चीज करनी है प्लेंटी ऑफ वॉटर खूब सारा पानी पीना है इलेक्ट्रोलाइट के साथ हाइड्रेटेड रहना है ओ ले लो आप इलेक्ट्रॉल ले लो आप नारियल पानी ले लो पानी ले लो ड मैटर और ज्यादातर ऐसे ही इलाज माइल्ड सिम्टम्स के घर में ही हो जाते हैं ये दो चीजों से ही काम हो जाता है और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती सो so, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो नौजवान हो घर पे रखो ऐसा इलाज करो अब अगर डेंगी बढ़ गया तो क्या होगा सिवियर डेंगी होगा किसको होगा वो किसको होगा याद रखिए चार में से एक बीमार होता है और एक में से भी कई वो, वो उसमें भी बहुत कम लोग सिवियर होते हैं मतलब बीस में से एक आदमी एक इंसान बीस में से एक इंसान को सिवियर डेंगू होगा ज्यादा नहीं और सिवियर डेंगी में शॉक में जा सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जान जा सकती है सो तो आपको सिवियर डेंगी होने के चांसेस है अगर तो आपके अंदर अगर पहले से कोई मान लीजिए बीमारी है इम्यूनिटी कम है छोटे बच्चा है प्रेग्नेंट लेडी है बुढ़ा बूढ़े हैं तो ऐसे लोगों में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है अब सिवियर डेंगू के वार्निंग साइन क्या क्या है उसके क्या है उसके सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के कुछ वार्निंग साइन हो जाते हैं जैसे कि पहले 24 से 48 48 घंटे में बुखार के आपको वार्निंग साइंस मिलेंगे बुखार आया 24 से 48 घंटे ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट जो आप खुद करोगे क्या ऑब्जर्वेशन अगर आपके फैमिली मेंबर को कोई भी सिम्ट बुखार आ रहा है तो ये चीजें देखो क्या देखो पेट में दर्द टेंडरनेस है दबाने से दर्द हो रहा है अगर पेट में कहीं भी दबाने से दर्द हो रहा है स्टमक बेली पेन टेंडरनेस वन अगर दिन में तीन दफे से ज्यादा तीन बार से ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है तीन बार से ज्यादा उल्टियां आ रही है कोई भी कहीं भी कुछ भी ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है मुंह से नाक से उल्टी में लैटरिन से कहीं से भी कोई भी ब्लीडिंग हो रही है लाल लाल स्पॉट्स आ रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर जबान पे कहीं भी बहुत ही ज्यादा इरिटेबल हो रहे हैं रेस्टलेस हो रहे हैं तब ऐसे में करना क्या है डॉक्टर को जाके दिखाना है और सिवियर केस लगे रहा है अगर डॉक्टर को तो डॉक्टर आपको भर्ती करेगा तो वार्निंग साइंस है तो एमरजेंसी जाइए डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट अटेंशन हॉस्पिटलाइजेशन करेगा और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में भी इलाज वही है पानी आईवी ग्लूकोज जो आप बोलते हो बोतल सलाइन वो पानी चढ़ाया जाता है और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है बुखार मैनेज किया जाता है जो भी ट्रीटमेंट में कमी वो चीजें दी जाती है कुछ विटामिन दिए जाते हैं बस और कोई एंटीवायरस नहीं है डेंगू के खिलाफ और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का लेकिन इसमें फिर टेस्ट किए जाते हैं डेली प्लेटलेट काउंट किए जाते हैं जिनको सिवियर लगता है जिनका प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी है वंस यू आर विद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्लेटलेट प्लेटलेट काउंट काउंट रेगुलरली बताएगा कि आपके अगर प्लेटलेट काउंट कम से कम होते जा रहे हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा सिर्फ प्लेटलेट काउंट भी एक क्राइटेरिया नहीं है एडमिट करने का कि किसी किसी के पचास हजार हो जाते हैं कम नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एक लाख डेढ़ लाख से ऊपर होते हैं सो आपके हो गए लाख आपके हो गए अस्सी हजार आपके हो गए सत्तर हजार फिर हो गए आपके पचास हजार फिर हो गए आपके तीस हजार फिर आपके हो गए बीस हजार फिर हो गए पंद्रह हजार इतने कम प्लेटलेट में तो प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग को रोकना मतलब इतने कम प्लेटलेट है तो अगर आपके शरीर में कहीं भी थोड़ी भी ब्लीडिंग हो गई तो वो रुकेगी नहीं क्या मुश्किल से रुकेगी इसीलिए जब प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करना होता है और अगर बहुत लो प्लेटलेट काउंट हो जाए और ब्लीडिंग का रिस्क है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है प्लेटलेट चढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो प्लेटलेट काउंट उस रेंज में आ जाए जहां हमें टेंशन नहीं लेना है। वैसे कायदे से बीस हजार भी प्लेटलेट हो जाए तो भी भर्ती करना कंपलसरी नहीं होता अगर कहीं ब्लीडिंग या कोई सिवियर सिम्टम्स सिवियर वाले कोई रिस्क फैक्टर नहीं है अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं अगर है तो भर्ती हो प्लेटलेट काउंट भी मैनेज करिए फ्लूड भी दीजिए पानी देने से मात्र पानी देने से और फ्रूट्स देने से प्लेटलेट क्लाउंड बढ़ जाते हैं जी हाँ तभी लोग पपीता खाते हैं फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना सो so, यस yes, इट सो डेंगू so, फीवर में भर्ती होना कंपल्सरी नहीं है कोई स्पेशल दवाई नहीं है कोई स्पेशल इलाज की जरूरत भी नहीं है आपकी खुद की बॉडी उसको ट्रीट करेगी और टेस्ट करने की जरूरत है आपको राइट प्लेटलेट काउंट्स कई बार हमें सिरम फेरेटिन लेवल्स चेक करने होते हैं सिरम फेरेटिन लेवल से हमें पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं तो कितने स्पीड में कम हो रहे हैं बोन मैरो कितनी जल्दी जल्दी माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे बच्चे माइक्रोस्कोपिक्लेटलेट के बना के कभी कभी माइक्रोस्कोपिक की प्लेटलेट इमेचर प्लेटलेट्स खून में आने लगते हैं जो काम करेंगे नहीं सही मात्रा से सही तरीके से तो फिर भी ब्लीडिंग के रिस्क रहेंगे तो वो भी बताती है कि भाई किसी को अगर सिवियर डेंगी हो भी रहा है तो उसकी जान जाएगी कि नहीं जाएगी मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन सो यस पीपल डू फेरेटिन लेवल्स आयरन प्रोफाइल दूसरी चीज है कि भाई साथ में अगर मान लो आयरन की भी कमी है खून बनी कम रहा है विटामिन डी बी ट्वेल्व की कमी है वहां पे भी कमजोरी बॉडी पेन उससे भी हो रहा है उससे भी हो रहा है दोनों मिलके ऐसी तैसी कर रहे हैं सो मल्टीपल फैक्टर्स नीड टू बी असेस्ट और ओवरऑल आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दिया जाता है डेंगी फीवर में बट एडमिट होना है कि नहीं होना जब तक आपको सिवियर डेंगू का कोई सिम्टम नहीं आता है तब तक भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है भर्ती होने के लिए मैंने आपको बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिवियर सिम्टम्स हैं अगर पेट में कहीं पे भी दर्द हो रहा है और दबाने से दर्द हो रहा है वो इंडिकेशन हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो इसलिए भर्ती होना पड़ता है वॉमिटिंग आ रही है तो कोई बात नहीं तीन से ज्यादा उल्टी आ रही है एक दिन में तो जाके भर्ती हो जाइए ब्लीडिंग हो रही है कहीं से भी थोड़ी भी जाके भर्ती हो जाइए वॉमिटिंग ब्लड उल्टी उल्टी में खून हो या लेटरिन में भर्ती हो जाइए बहुत ही ज्यादा इरिटेबल है भर्ती हो जाइए सो so ये हुई बातचीत आई होप दिस इज हेल्पफुल गो एंड शेयर दिस दिस नॉलेज टू एवरी वन एंड मेक श्योर एवरी वन गेट्स द बेनिफिट ओके